अजीम साहब के साथ इस समय सुबोध राकेश जी हैं, आप बात कुछ कर रहे थे, बताइए सर। अजीम साहब जी, सुबोध राकेश जी यहाँ पहुंच चुके हैं मतगणना स्थल पर। सुबोध राकेश, आपसे पूछे कैसा लग रहा है आज? आज तो टेंशन का दिन है कि क्या है, ठीक है सब? सुबोध जी, क्या दिल की धड़कने बढ़ी हुई है? देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है, रिजल्ट खुलने वाला है। मुस्कान तो कह रही है कि सर निश्चिंत हैं, निश्चिंत हैं सब। पूरे विश्वास के साथ आए हैं हम लोग, कि ऊपर वाले की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है, अबकी बार निश्चित रूप से जीत मिलने जा रही है। पूरी आशा और विश्वास है और ऊपर वाले पर विश्वास के साथ हम लोग आए हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपकी मुस्कान बता रही है कि जीत के प्रति आप बिल्कुल आश्वस्त हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से आश्वस्त हैं। जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इतना मिला, सौर समाज का आशीर्वाद इतना मिला है कि कहीं कोई शंका की दिखाई नहीं दे रही है। निश्चित रूप से जीत साफ दिखाई दे रही है और सब लोग पूरी तरह से संतुष्ट होके ऊपर वाले पे विश्वास करके हम सब लोग आए हैं कि जीतने जा रहे हैं। सुबोध राकेश साहब, ये बताइए कि लड्डुओं की जो बुकिंग होती है आपने करवाई है कि नहीं करवाई है? हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं कि आपने लड्डू की बुकिंग कराई है अभी? नहीं, देखिए लड्डू की बुकिंग करने में समय नहीं लगता, लेकिन निश्चित रूप से लड्डू बटने जा रहे हैं, ऐसा पूरा विश्वास मेरे दिल में और ऊपर वाले की कृपा से ऐसा एहसास मुझे चुनाव जब से चल रहा है हमारा तभी से हो रहा है कि जनता का सहयोग आशीर्वाद इतना जबरदस्त तरीके से मिला है कि निश्चित रूप से पूरी तरह से विश्वस्त हूँ मैं कि लड्डू भी बटेंगे और व्यवस्था भी बटेगी, खुशियां भी होंगी, सारी चीजें होंगी और एक बड़ी जीत के साथ हम लोग यहाँ से वापस अपने क्षेत्र में जाएंगे। ठीक है, और जो एग्जिट पोल आए थे उसने परेशान किया कि खुशी दी है आपको? जी, एग्जिट पोल ने क्या आपको परेशान किया? जी 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 जी, एग्जिट पोल ने जो कहा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ही व्यवस्था उसने बनाई है। वो दो तीन चार जो सीटें हैं उसमें भगवानपुर भी है, पूरी विश्वास के साथ मुझे पूरी आशा है भगवानपुर विधानसभा भी उन्हीं तीन चार सीटों में है जो एग्जिट पोल ने दिखाई है। मतलब सुबोध साहब, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सीट आप ही निकाल रहे हैं? पूरी जी, पूरी तरह आश्वस्त। सुबोध जी, क्या जो बसपा होगी यहाँ किंग मेकर की भूमिका निभाएगी? निश्चित रूप से अब की बार उत्तराखंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सरकार बनेगी। हमारे तीन चार विधायक जीत करा रहे हैं और मजबूती के साथ जीत करा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। निश्चित रूप से किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे आप? जी निश्चित रूप से, पूरा विश्वास हमें है कि हम अब की बार किंग मेकर की भूमिका में। तो क्या बदलाव करेंगे इस बार उत्तराखंड में या बीजेपी को? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बदलाव होगा। प्लेन और पहाड़वाद की जो व्यवस्था राजनीति यहाँ पर है उस पर अगर व्यवस्था को ठीक करने की प्रक्रिया में कोई आगे बढ़ेगा तो हमारी पार्टी बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो जिनको इग्नोर किया गया है पहाड़वाद और प्लेनवाद की लड़ाई में, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और अपने लोगों के लिए पूरी तरह से सड़क से लेकर सदन तक पूरी तरह से लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा।